नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। मेरे एक वीडियो में एक दर्शक ने एक कमेंट लिखा कि क्या जांच के लिए जांच अधिकारी नामित करना आवश्यक है, क्या जरूरी है। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही है, आइए देखते हैं। वास्तव में जांच क्या है? जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 2019, उसके अंतर्गत नियम 7 में जो प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज या लघु शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया, उसी को जांच कहा जाता है। अर्थात यदि प्रारंभिक जांच के बाद जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है, उसके बाद जो तथ्य और साक्ष्य सामने आते हैं, उनसे ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया यदि ये आरोप सिद्ध हो जाएं, तो मेजर पेनल्टीज या दीर्घ शास्तियां भी आरोपित की जा सकती हैं। तब जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे ही जांच कहते हैं। अब आते हैं अपने मूल प्रश्न पर। अब ये प्रक्रिया होती है नियम 7 के अनुसार। नियम 7 में स्पष्ट रूप से लिखा है, क्या लिखा है वो मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में बोल देता हूँ। पहले अंग्रेजी में देखते हैं, फिर हिंदी में देखेंगे। वहां कहा गया है, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मे हिमसेल्फ, ध्यान दीजिएगा, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मे हिमसेल्फ इंक्वायर इनटू द चार्जेस, और यहाँ पे और लगा, और अपॉइंटिंग एन अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू हिम एज इंक्वायरी ऑफिसर टू इंक्वायर इनटू द चार्जेस। अब अगर हम इसी चीज़ को अगर हम हिंदी में देखें, तो वहाँ क्या लिखा है, वहाँ क्या कहा गया है, अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोपों की जांच कर सकता है या का मतलब अथवा अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को आरोपों की जांच करने के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है। अब आपने हिंदी अंग्रेजी दोनों में देख लिया, स्पष्ट है कि जांच करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी नामित करने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहें तो स्वयं आरोपों की जांच कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को आरोपों की जांच के लिए नामित कर सकते हैं। आशा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाएँ। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।